आप देख रहे हैं कक्षा 11वीं के बच्चे जो अभी वर्तमान में एमपी संस्थान में अध्ययनरत हैं, और हम उनसे जानेंगे कि उनकी पढ़ाई किस प्रकार चल रही है और मेडिटेक में आने के बाद क्या क्या सीख रहे हैं। हाँ बेटे, बताइए आपको मेडिटेक में पढ़कर क्या क्या सीखने को मिला। मतलब यहाँ पे जो अभी तक आपने कितने दिन से ज्वाइन किया है कोचिंग? सर अबाउट 4 मंथ। तो इसमें आपको मतलब क्या क्या सीखने को मिला है, मतलब फुल कॉन्फिडेंस के साथ क्या क्या सीखे, पढ़ाई में क्या क्या सीखे आपने? पढ़ाई में सर बायो के बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में, सेल, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फाइलम, ऑर्डे। चलिए थैंक यू। इसके बाद एक और स्टूडेंट की ओर चलते हैं। हाँ बताइए बेटा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम राधिका पवार है और मैं केरला की तरफ से, मैं एमसीआई की छात्रा हूँ। और मैं नीट के लिए अभी से प्रिपेयर कर रही हूँ। सर ने सर पढ़ाता है तो मैं उसी को रिवाइज करके पढ़ती हूँ। अच्छा, तो ये बताइए कि आपने अभी तक क्या क्या सीखा यहाँ पर? मैंने सीखा कि यहाँ पे कुछ दूसरे को रटा नहीं जाता है, समझ के पढ़ना चाहिए। इसके साथ जीवन में अपने को किस प्रकार जीवन जीना चाहिए, ऐसी कुछ बातें यहाँ पे सिखाते हैं। हाँ, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। और तो आपने जैसे यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, उसके बाद आपके छोटे छोटे भाई जो होंगे या गाँव में कुछ बच्चे होंगे, उनको भी बताते पढ़ाई के बारे में? हाँ, उनको भी बोलते हैं कि अभी तो यानी कि वो रटना नहीं, कुछ चीज़ों को समझना चाहिए। आपका भी समय मिलता है तो उनको बताते हो पढ़ाई कैसे करना है? हाँ। चलो थैंक यू। एक और स्टूडेंट की ओर चलते हैं। नाम है तनुष, क्लास। अच्छा तनु, कैसे पढ़ाई चल रही है आपकी? बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा अच्छा, आप क्या बनना चाहते हो भविष्य में? चलो बहुत बहुत बधाई। तो इसके लिए किस प्रकार की प्लानिंग कर रहे हैं आप अभी से? सबसे पहले नीट क्लियर कर रहा है, उसके बाद तो न्यूरोसर्जन के लिए पढ़ाई। पहले MBBS करना पड़ेगा, उसके बाद MD, है ना? चलो ठीक है, थैंक यू। चलो आप बताओ, एक और स्टूडेंट से बात करेंगे हम। मेरा नाम गौरी पवार है, MCI की छात्रा हूँ और मैं गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। अच्छा, आप यहाँ पर पढ़कर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, जैसे कि स्टेज पर जाके बोलने की क्षमता जो अभी तक नहीं थी, पर अभी क्लियरली बोल पाते हैं और थोड़ा ठीक से बोल पाते हैं। अच्छा, मतलब मेडिटेक का मतलब सबसे अच्छी विशेषता क्या लगी आपको? सबसे अच्छी विशेषता ये लगी कि जैसे और अदर कोचिंग में जैसे पढ़ाते समय बताते हैं, इतने अच्छे से एग्जाम्पल देते कि समझाते हैं, एवं स्टेज पर आके बोलने की क्षमता कोई भी है तो किसी से डरना नहीं है, एकदम से बोलना चाहिए। और चलो अभी डर भी लगता होगा स्टेज में, है ना, बोलने में थोड़ा लगता है, पर अभी ठीक है। चलो ठीक है ना। चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज गायत्री झाड़े, आई स्टडी इन क्लास 11th ऑफ एक्सलेंस स्कूल बैतूल। मैं MCA की स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ बायो सब्जेक्ट पढ़ती हूँ। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे पढ़ाई मतलब हम बायो पढ़ना है, सिर्फ बायो पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ हमको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, जैसे मोटिवेशन स्किल जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सर हमको बहुत अच्छा मोटिवेट करते हैं, इसके साथ साथ हमें पर्सनलिटी डेवलपमेंट के बारे में भी बताते हैं, जो कि मतलब बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हमें स्टेज पर कैसे बोलना चाहिए। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मतलब कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई करते हैं, मतलब कभी घबराना नहीं, हेजिटेशन जैसी चीज मतलब हमसे हटा दो, वो मतलब हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए कभी हमको। और मेरा एम है आगे मुझे सर्जन बनना है, बहुत अच्छे से यहाँ से भी सर मुझे मतलब बताते हैं, मैं बहुत अच्छे से पढ़ाई करती हूँ उसके लिए। और मैं मतलब सर यहाँ पे कुछ हटाते नहीं, बहुत अच्छे एग्जाम्पल दे के हमें पढ़ाते हैं और हमें सब यहीं तैयार हो जाता है। फिर सर टेस्ट भी लेते हैं जो मतलब टेस्ट में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, और सर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, यहाँ के सारे टीचर्स बहुत अच्छे, केमिस्ट्री बहुत अच्छा पढ़ाते हैं यहाँ पे, मतलब समझाते ही मतलब हमारे दिमाग में सब उनको याद हो जाता है, जो कि मतलब घर पे जाकर उसको एक बार पढ़ोगे तो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और चलो थैंक यू।